नोकिया लेकर आ चुका है आप लोगों के लिए सस्ता तरीन स्मार्टफोन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से नोकिया के C1 की। नोकिया C1 जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर नोकिया की तरफ से सबसे लोएस्ट रेंज के अंदर आपको स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जो उनमें ये सबसे चीपेस्ट है। और यहाँ पर इसके जो प्राइस टैग है वो अराउंड वोट 8,600 से 700 रुपये है। अगर आप इम्तियाज़ वगैरह से लेते हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो यहाँ पर आपको राउंड वर 9,200 का रेट्स देखने को मिलते हैं। और आई थिंक कंपनी की जो ऑफिशियल प्राइसेस हैं वो 9,500 के आसपास कुछ आपको देखने को मिलते हैं। प्राइस टैग की बात हो गई, अब इसकी स्पेक्स की बात करते तो यहाँ पर आपके पास 5.45 इंचेस की यहाँ पर IPS डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है। इस डिस्प्ले के अंदर आपको स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 480p x 1960 का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए फ्रंट और बैक के ऊपर, आपको नॉच वगैरह देखने को नहीं मिलती। फ्रंट और बैक के ऊपर जो कैमराज आपको देखने को मिलते हैं, सिंगल सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है विद LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाए। और दोनों कैमराज जो है 720p की रिकॉर्डिंग आपको 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर सपोर्ट कर देंगे। 5 मेगापिक्सल फ्रंट के ऊपर, 5 मेगापिक्सल बैक के ऊपर f/2.4 रिस्पेक्टिवली आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 GB रैम है, ऑल दो रैम कम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी इंटरनल स्टोरेज की तो वो 16 GB आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कॉम्पेटेबल होती है। आई थिंक अगर 2 GB रैम के साथ 16 GB का कॉम्बिनेशन बनाकर देता नोकिया तो ये स्मार्टफोन काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता विद रेंज ऑफ 8,900 या 9,000 के आसपास। अगर बात की जाए यहाँ पर बैटरी की तो यहाँ पर 2500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ये रिमूवेबल बैटरी आपको देखने को मिलती है, यानी कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक इसका यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट जाता है, अगर नॉन रिमूवेबल बैटरी होती तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाती। लेकिन अब इसके साथ भी गुजारा करेंगे क्योंकि प्राइस टैग कम है, तो यहाँ पर आप चला लेंगे इसको। अगर बात करूँ यहाँ पर प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपके पास क्वाड कोर का चिपसेट देखने को मिलता है। 1.3 GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर चारों के चारों कोर्स काम करती हुई आपको दिखाई देती हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर गेमिंग का तो यहाँ पर गेमिंग आप इसके ऊपर ना ट्राई कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, लेकिन उससे पहले तो यार अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में एक लिंक ड्रॉप कर दूंगा और इस लिंक को मैं पिन भी कर दूंगा ताकि आप इजीली वहां से जाकर ख़रीद सकें और आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको जो ऑफिशियल प्राइस है 9,500 के आसपास, उससे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अराउंड वो 8,600 8,700 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी प्राइस टैग के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक जो है वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग की, तो जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो यार नोकिया का C1 मेरे हाथ में मौजूद है और आप इसको देख सकते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें क्या एक्सपीरियंस देखने को हमें मिलता है और क्या हमारे पास नोकिया ने बेचा है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइस आपको राउंड वोट 10,800 रुपये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट के अंदर आपको राउंड वोट 8,500 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बताता हूँ पर जो आपको बॉक्स डिटेल मिलती है, आपको 2500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 1 GB रैम है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, अप टू 64 GB की आप माइक्रो कार्ड की सपोर्ट कर सकते हैं, 5 MP सेल्फी कैमरा है, 5 MP आपका रेयर कैमरा है, दोनों ही LED फ्लैश के साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस देख लेते हैं गूगल असिस्टेंट की। यहाँ पर आपको हाईलाइटिंग फीचर देखने को मिलता है, तो ये हमारे पास डिवाइस देखने को मिल जाती है। डिवाइस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्मूथ सा आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपके पास ये डिवाइस देखने को मिल जाती है, डिवाइस को मैं रखता हूँ साइड के ऊपर। यहाँ पर आपके पास कुछ वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाते हैं और इसकी किसी की आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं भी साइड पर रख देता हूँ। दीगर कॉन्टेंट की बात करें बॉक्स में तो यहाँ पर आपके पास सिंपली डिवाइस मिल जाती है, डिवाइस आपके प्लास्टिक के रैपर में देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपके पास जो बैटरी है वो सेपरेट आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको विद इन दी स्मार्टफोन बैटरी प्लग इन हुई दिखाई नहीं देती, आपको खुद से प्लग इन करनी पड़ेगी, तो इसको भी साइड पर रख देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो कुछ लव लेटर्स हैं नोकिया की तरफ से, तो यहाँ पर आपको हेडफोन्स देखने को मिलते हैं एवरेज क्वालिटी के हैं, तो इनको भी मैं साइड पर रख देता हूँ।
और बाकी यहाँ पर आपके पास माइक्रो यूएसबी केबल है। येस एग्जैक्टली, आपके पास माइक्रो यूएसबी केबल है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 1 एम्पेयर का आपके पास अडाप्टर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस छोटे से बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो यार आ चुका हूँ मैं अपने डिवाइस के ऊपर। डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक कलर की डिवाइस है, तो यहाँ पर नोकिया की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर टॉप साइड के ऊपर आए तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा है और उसके साथ आपके पास एक LED फ्लैश है। बॉटम के यहाँ पर आपके पास स्पीकर देखने को मिल जाए और बिल्कुल बॉटम साइड पर हम मोबाइल फ़ोन की तो यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट विद माइक आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपके पास पावर बटन देखने को मिल जाता है। दूसरी साइड पे आपको गूगल असिस्टेंट का बटन एक देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपके पास मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन और टॉप साइड के ऊपर 3.5 mm का आपके पास ऑडियो जैक मिल जाता है। तो इसको अब ऑन करता हूँ, सेटअप कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। तो नोकिया एंड्रॉयड काफ़ी स्मूथ एंड स्लीक आपके पास देखने को मिलता है। अच्छी डिवाइस है, अपने प्राइस टैग के लिहाज से मुझे काफ़ी पसंद आई है फिलहाल तक। अब इसको यूज़ करके देखता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है और इसका फुल रिव्यू भी मैं आप लोगों के लिए पेश करूँगा। तो आप लोगों ने उसके लिए करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। और नोकिया इज़ बैक। तो यार अपने प्राइस टैग के लिहाज से इसने काफ़ी अच्छी लुक मुझे प्रोवाइड की है, मुझे अभी तक किसी में कोई इश्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिले और काफ़ी स्मूथ पैनल आपको यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। और बाकी यहाँ पर कैमरा अगर देखूँ तो कैमरे की बात मैं कर लेता हूँ, कैमरे की मैं कुछ फुटेजेस आपको लेके दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर फोटो, फोटो वीडियो और टाइम लैप्स आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी मैं 2 फोटेजेस ली हैं, ये बैक कैमरे का रिजल्ट है। अपने कैमरे अपने प्राइस टैग के लिहाज से इसने अच्छा परफॉर्म किया है और ये फ्रंट कैमरे का रिजल्ट है। यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह थोड़े से डिस्पैच हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से प्राइस टैग के लिहाज से ठीक किसने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया, कोई इश्यूज़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं लेकिन अपने प्राइस टैग के लिहाज से फिर भी यहाँ पर इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी अगर बात करें इसकी इस डिवाइस की तो यहाँ पर 8,500 के प्राइस टैग के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं, कूलपैड का E2 आपको देखने को मिलता है, वो भी अब ऑलमोस्ट 10,000 के प्राइस टैग पे चला गया। ओले की तरफ से स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, मी वन की तरफ से देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम आइटल आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिवाइस इस प्राइस टैग के लिहाज से। यहाँ पर आप मोटोरोला की तरफ चले जाएँ जहाँ पर आपको 1 ईयर की वारंटी वगैरह देखने को नहीं मिलती लेकिन यहाँ पर 12 मंथ की रिप्लेसमेंट वारंटी आपको नोकिया की तरफ से देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो यार अनबॉक्सिंग आपने देखी, कैसा लगा आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस? फ्रंट और बैक कैमरा मेरे ख्याल से इसने अपने प्राइस टैग के लिहाज से ठीक ठीक इसने परफॉर्म कर दिया है। और उसके अलावा इसकी 1 GB रैम है तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट जो है अपने लिहाज से इसने ठीक कर दी है। अगर यहाँ पर आपको 2 GB रैम मिल जाती तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट जो थी वो काफ़ी और अच्छी हो सकती थी, बट प्राइस टैग जो था वो राउंड वर्ड ऊपर जा सकता था, अराउंड 9,500 के आसपास, लेकिन ऑफिशियल जो प्राइस थी वो 10,500 के आसपास चली जाती। तो फिर इसलिए शायद कंपनी ने इसको 1 GB के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है। ओवरऑल इसको मैंने यूज़ किया है कुछ दिन और इस स्मार्टफोन के अंदर कोई इश्यूज़ वगैरह, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता। गेमिंग इसके ऊपर मैंने अभी तक टेस्ट आउट नहीं की, टेस्ट आउट करके आपको एक प्रॉपर रिव्यू के अंदर बताऊँगा कि गेमिंग आप इसके ऊपर हल्की फुल्की कर सकते हैं या नहीं। ऑल दो मल्टीमीडिया के लिए आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों से तो व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ये कॉलिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो ये एक बेस्ट बेस्ट डिवाइस हो सकती है बजट के अंदर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक लाजमी 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 कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।